नमस्कार, स्टडी वेब में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो। महात्मा बुद्ध के बारे में तो आपने सुना ही होगा। क्या कभी ऐसा आप सोच सकते हैं कि महात्मा बुद्ध किसी व्यक्ति को अछूत कह के बुलाएं? जी हाँ, यही कहानी आज हम सुनने वाले हैं कि महात्मा बुद्ध ने किसको बोला कि तुम अछूत हो और क्यों बोला। जी हाँ, इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। कहानी पसंद आने पे शेयर भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप फेसबुक के ऊपर इसको शेयर करना भी मत भूलिएगा। एक बार महात्मा बुद्ध उपदेश कर रहे थे, एक चबूतरे पे बैठे हुए थे पेड़ के नीचे, और उनके पास उनके सारे शिष्य बैठे हुए थे। महात्मा बुद्ध उन्हें निर्वाण की बात बताते बताते अचानक आंखें बंद करके बैठ गए। सब लोगों ने इंतजार कर रहे थे, सब लोगों ने सोचा कि महात्मा बुद्ध कुछ बोलेंगे। इतने में एक बौद्ध भिक्षु आया और वो आके भीड़ से अंदर को आने लगा। इतने में महात्मा बुद्ध ने आंखें खोली और बोला कि इसको मत आने दो, यह अछूत है। यह बात सुनकर सभी चौंक गए कि महात्मा बुद्ध, जो कि ना किसी जाति धर्म किसी बंधन को ऊंच नीच कि किसी भी बंधन को नहीं मानते, वह ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि तुम ये इस व्यक्ति को मत आने दो, यह अछूत है। वह व्यक्ति आना चाहता था पर महात्मा बुद्ध ने कहा, मैंने तुम्हें कहा था कि आश्रम में अकेले रहो, वहीं पर सोचो कि तुमने क्या किया, यहां से चले जाओ। बड़ा जोर से महात्मा बुद्ध बोले। यह देख के सारे लोग हैरान हो गए। वह व्यक्ति तो खैर चला गया, पर उसके बाद एक जो उनका शिष्य था उसने खड़े होकर महात्मा बुद्ध से सवाल पूछा कि क्या आप भी ऐसा कर सकते हैं? क्या आपकी नजरों में भी ऊंच नीच का जाति पाति का कोई भेद हो सकता है कि आप किसी को अछूत कह के बुलाएं? महात्मा बुद्ध ने कहा कि एक बात सुनिए, यह व्यक्ति आश्रम में बहुत क्रोधित था, यह बहुत से लोगों पर चिल्ला रहा था और मैंने इस व्यक्ति को आदेश दिया था कि तुम एक जगह पे अपनी कुटिया में जाके बैठो और यह सोचो कि तुम्हारे ऐसा करने से क्या हुआ। गुस्सा बिल्कुल ऐसे होता है, क्रोध बिल्कुल ऐसे होता है जैसे आपने किसी और के ऊपर गर्म अंगारे फेंकने के लिए अपने हाथ में उस अंगारे को ले लिया हो, तो वह दूसरे को तो बाद में जलाएगा, पहले आपके हाथ को जलाएगा। इस व्यक्ति के चारों तरफ इस समय क्रोध की अग्नि जल रही है, ये जिसके भी संपर्क में आएगा उस व्यक्ति को ही परेशान करेगा, इसलिए मैं नहीं चाहता कि यह व्यक्ति बाकी लोगों को परेशान करे। इस तरीके से महात्मा बुद्ध ने पहली बार ऐसा बोला कि यह व्यक्ति अछूत है, इसको मत छुओ, इसके नजदीक मत जाओ। जी हां, क्रोध करने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह औरों से दूर हो जाए और कुछ समय बैठ के यह सोचे कि उसने क्या पाया इस क्रोध को करने के। और इसका सबसे पहला जो कष्ट था वो किसको हुआ, जिसके ऊपर क्रोध किया गया या जिसने क्रोध किया था वह खुद इसका भागी बना। फिर एक और शिष्य खड़ा हुआ और उसने महात्मा बुद्ध से बोला, पर उसको भेजते वक्त आप भी जोर से चिल्लाए थे, आप क्रोधित थे। तो महात्मा बुद्ध ने बोला, अगर जोर से चिल्लाने के वक्त मेरा इनर पीस यानी कि अंतर की शांति अगर भंग होती है तो वो क्रोध है, वरना वो मेरा रिस्पॉन्स है। अगर आपकी मन की शांति बनी रहती है और आप कोई भी कृत्य जीवन में करते हैं तो वह क्रोध नहीं। जैसे मां छोटे बच्चे को डांटती है, पर अगर उसका अंतर में शांति बनी रहे, उसको मालूम हो कि इस समय यह जरूरी है, यानी कि वो क्रोध उनको खुद इफेक्ट ना करे, तो वो क्रोध नहीं, वो रिस्पॉन्स है, वो टीचिंग का तरीका है। सख्त भाषा में भी बोला जा सकता है, पर याद रहे कि आपका आंतरिक आनंद आंतरिक शांति भंग नहीं होनी चाहिए। यही कला संत महात्माओं के पास होती है और यही कला वो हमें सीखने को बोलते हैं कि किसी भी कीमत पे हमारी अंतर की शांति डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। जैसे एक फौजी आदमी बॉर्डर पे बैठ के किसी का मर्डर करता है, आतंकवादी को गोली मारता है, पर उसको यह इस बात का दुख नहीं होता क्योंकि वह रिस्पॉन्स देता है, रिएक्शन नहीं देता है। जिंदगी में रिस्पॉन्स दें, रिएक्शन ना दें, और इसको जीवन में अपनाएं, यही भगवत गीता भी हमारे को बताती है, यही संत महात्मा भी अपने जीवन में ढाल के हमें उपदेश देते हैं। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे आपसे एक बार फिर एक नया विचार एक नई कहानी लेके। आज के लिए नमस्कार। रोज हॉस्पिटल सहारनपुर में अच्छा अस्पताल, सस्ता इलाज, उच्च स्तरीय डॉक्टर के मार्गदर्शन में उच्च स्तरीय इलाज, उत्कृष्ट संसाधनों से लैस हाई क्वालिफाइड सर्जन और सभी प्रकार के नवीनतम संसाधन, ICU, ऑपरेशन थिएटर, फार्मेसी, पैथोलॉजी, मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट, सुपर डिलक्स AC रूम और सभी प्रकार के नवीनतम संसाधन एक ही छत के नीचे। वीब्रोज हॉस्पिटल दिल्ली रोड, रेजेंसी गार्डन के सामने, सहारनपुर।
अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 8791836339 पर।